नमस्कार, कल्ची किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये सर्दियों में स्पेशली बनाया जाने वाला गाजर, मूली और गोभी का अचार बनाना बताऊंगी। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमने एक छोटे साइज की गोभी, दो गाजर, दो मूली काट के ले ली है। देखिए इस तरह से लंबाई में हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। आपको जिस तरह से गोल टुकड़े पसंद है तो गोल भी काट के ले सकते हैं। 10-12 हमने ये मिर्चे ले लिए हैं, हरी मिर्च। धो के सारी सब्जियों को हमने पानी से धोया, उसके बाद हमने इसे अच्छे से सुखा के फिर हमने इसे काट लिया है। तो सब्जियों में पानी नहीं होना चाहिए, सबको अच्छे से धो के काटना। ये देखिए एकदम सूखी हुई है, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। ये सारी सब्जियां मिला के करीब 5 कप होंगी। तो आप जितना अचार बनाना चाहते हैं उसी रेशियो में आपको सारा सामान लेना होगा। तो हमने ये 5 कप सब्जियां ली हैं। इसके लिए हमने ये 2 बड़े चम्मच पीली सरसों ले ली है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने मेथी ली, 2 चम्मच हमने सौंफ ले ली है, 1/2 चम्मच हमने अजवाइन और 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च के दाने ले लिए हैं। ये सारी मसाले जो है हमें हल्का सा भून के फिर इसे हमें पाउडर बना लेना, पीस लेना है मोटा मोटा सा। 1 कप हमने ये सरसों का तेल लिया है। तो अचार में सरसों के तेल का जो होता है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं यूज करते हैं तो आप कोई और तेल भी यूज कर सकते हैं। हमने 1/2 चम्मच हींग ले ली है, 2 चम्मच हल्दी है, 2-2.5 चम्मच के करीब हमने लाल मिर्च ली है और 3 चम्मच हमने ये नमक ले लिया है, 3/4 कप हमने ये विनेगर ले लिया है, सफेद सिरका है, आपके अगर कोई और सिरका हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब्जियों को हमें हल्का सा ब्लांच करना है, उबलते हुए पानी में हमें इसे थोड़ी देर डाल के रखना है। तो ये मिर्चों को तो हमें नहीं पकाना है, तो इसे हम अलग निकाल लेते हैं और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसे काट के रख लेते हैं मिर्चों को। 1 मिर्ची के हमने 3 टुकड़े कर लिए हैं। तो आप जितना बड़ा चाहते हैं उस तरह से काट लें इसे, इस तरह से सारे मिर्चे हम काट के रख लेते हैं। उसके बाद हम पानी हमने उबलने के लिए चढ़ा दिया है ये सब्जियों को पकाने के लिए। पानी में हम ये सब्जियों को डाल के हल्का सा बस 2-3 मिनट ही हमें पकाना है। ये देखिए पानी हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम ये सारी सब्जियां इसमें डाल देते हैं। गोभी डाल देते हैं, गाजर, मूली, सारी चीजें हम इसी में डाल देते हैं। पानी एकदम अच्छा बॉयल होना चाहिए, खौलता हुआ पानी में ही हमें इसे डालना है। 3 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। 3 मिनट तक हम वेट करेंगे, बस ज्यादा में नहीं पकाना। ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और ये सब्जियां हमें बस इतनी ही पकानी थी। हम इस गैस को बंद कर देते हैं और ये सब्जियों को हम पानी इसका निकाल के छान लेते हैं। किसी स्ट्रेनर में हम इसे डाल के छान लेंगे। ये देखिए पानी सारा हम निचोड़ देते हैं, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे ये पानी सारा निचोड़ जाए। पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। देखिए पानी हमने इसका निचोड़ लिया है, इसे हम किसी कपड़े के ऊपर सुखा देंगे। तो चाहे तो आप हवा में सुखा लें या चाहे तो अगर धूप है तो धूप में सुखा दें। ये देखिए हमने इसे टेबल के ऊपर ऐसे कपड़ा बिछाया और इसके ऊपर ये सब्जियां हमने इस तरह से डाल दी हैं सूती कपड़े के ऊपर। तो कपड़ा भी पानी सोख लेगा और हवा ऊपर से लगेगी तो ये फटाफट 1-2 घंटे में ही सूख के तैयार हो जाएंगी। जब तक सब्जियां सूखती हैं हम मसाले भी तैयार कर लेते हैं। तो तवे के ऊपर हमने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। राई हमने अभी नहीं डाली है, वो बाद में डालेंगे। तो ये मसाले हम पहले भून लेते हैं, हल्का सा भूनना है बस। हमें इसे धीमी धीमी आंच पे हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। ज्यादा हम इसे तेज आंच पे भूनेंगे तो एकदम से जल जाएंगे, बस हल्का सा। देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, अच्छे से खुशबू आ रही है। हमने गैस बंद कर दी और ये हम ड्राई भी इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो ये जो सरसों का हमने तेल लिया था इसे भी हम गर्म कर लेते हैं। तो एक हमने पैन में तेल डाल दिया है, तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। धुआं निकलने लगे, तेल सरसों का तेल अच्छे से गर्म करके ही डालना चाहिए। ये देखिए तेल अच्छा गर्म है, हम इसे थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं, 3-4 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर इसमें मसाले डालेंगे। ये देखिए सब्जियां अच्छे से सूख गई हैं, एकदम पानी नहीं है इसमें। हम बिल्कुल पानी इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा ही चाहिए। पानी होगा तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। ये मिर्ची हम इसी में डाल देते हैं। ये तेल हमारा अभी काफी गर्म ही है, हम इसमें ये मसाले डाल देते हैं, हींग डाल देते हैं तेल में। ये देखिए इसके साथ ही हम हल्दी और लाल मिर्च भी इसमें ही डाल देंगे। हल्का गरम गरम तेल ही हमें
अचार में डालना है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स करके हम ये मिर्च भी डाल देते हैं इसमें, और ये तेल हम सब्जी के ऊपर डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और ये पिसे हुए मसाले हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। तेल गरम डालने से अचार जल्दी पक जाता है, क्योंकि गर्मी से सब्जियां जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो अचार जल्दी से खाने लायक हो जाएगा फटाफट। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया इसे सब कुछ। अब हम इसमें विनेगर जो हमने लिया था वो भी मिला देते हैं। 3/4 कप हमारा विनेगर है, हम इसमें ये डाल देते हैं। विनेगर जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इससे अचार हमारा जल्दी खराब नहीं होगा और अच्छा सा इसमें खट्टा फ्लेवर आएगा, क्योंकि विनेगर खट्टा होता है तो अचार को अच्छा अपना फ्लेवर दे देगा, खट्टा हो जाएगा। ये देखिए अचार ये हमारा अच्छे से मिक्स होके तैयार हो गया है। वैसे तो आप इसे अभी भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन जो अचार का फ्लेवर है वो इसमें 3 से 4 दिन के बाद आएगा। 3 से 4 दिन बाद आप इसे सर्व करेंगे तो बिल्कुल अच्छा खट्टा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये अचार बना है और आपने देखा कितनी आसानी से ये बन जाता है। ये सारी सब्जियां आजकल बाजार में आसानी से मिल रही हैं और बहुत ही सस्ती मिल रही हैं, तो आप ये अचार जरूर बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा सबको। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।